मिशन के सभी साथियों हमारे YouTube चैनल क्वेश्चन क्लासेस के आप स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर एक्स सीरीज जो इसका वेटेज 20 मार्क्स का होगा पेपर वन में। तो हमारा टॉपिक है आज का टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम आपको और उसके साथ साथ शॉर्ट टिप्स भी बताएंगे जैसे आप कम टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है। सिंपल फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा आई होप कि जो स्पीड है डिस्टेंस है हमारा वो होता है स्पीड इनटू टाइम। आई थिंक ये फॉर्मूला पता है ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हमें करना है पूरे जो सारे क्वेश्चन है उसमें ये कंसेप्ट हमारा जरूरी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहे हो A plane flies a distance of 1800 km in 5 hours. क्या एक जो प्लेन है हमारे पास वो 1800 किलोमीटर तक फ्लाई करता है 5 घंटे। तो डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है तो हमें इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में बतानी है ठीक है। तो आप ये देखिए स्पीड है तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी आपका 1800 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है। अब देख जो ये हमारी स्पीड आएगी ये किलोमीटर पर आवर में आएगी। आप अभी इसको कैंसिल मत करना और शॉर्ट हो जाएगा जब हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है यानी बड़े से छोटे में जाना है तो हम क्या करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारी स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में आएगी ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 आपको कैंसिल हो रहा है 18 से ये 100 पे कैंसिल हो रहा है ठीक है। काम से क्या आ जाएगा हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए प्लेन फ्लाइज इन द डिस्टेंस ए डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक एरोप्लेन है वो फ्लाई करता है 1800 किलोमीटर तक लेकिन 5 आवर्स उसको लगते हैं। तो हमें बताने व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड बतानी है लेकिन मीटर पर सेकंड में बतानी है। देखो जो डिस्टेंस है वो हमारा किलोमीटर में दिया गया है और जो टाइम है वो आर यानी जो स्पीड है यहाँ से हम निकालेंगे वो किलोमीटर पर आवर में बन के आएगी और उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। डिस्टेंस की वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी है हमारी 1800 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम है 5 आवर्स ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में यानी बड़ी टर्म से छोटी में अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो तो हम क्या करेंगे छोटी में जाना है तो उसको छोटा ना करेंगे यानी कि 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो यहाँ से हमारा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और 18 बचा और 1800 टाइम्स ठीक है। इसका मतलब हमें आंसर क्या मिला है इसका 100 मीटर पर सेकंड। केवल एक लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ठीक है। और आपका ऑप्शन यहाँ पे बोल
आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये इजी था बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो ये क्वेश्चन हैं के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाते जाऊंगी साथ में, कि थ्योरी अलग से नहीं पढ़ानी पड़ेगी, इसमें क्वेश्चन के साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है, कोई भी दो कार है ए और बी, एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाती है एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। कार ए की स्पीड 72 है एंड बी की 90। अगर कार ए इफ कार बी टेक्स 1 आवर लेसर देन कार ए फॉर द जर्नी। ठीक है, कार बी कम टाइम लेती है कार ए के कंपैरिजन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि दोनों शहरों के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या समझेंगे, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है। देखिए, जो हमारी स्पीड होती है हमारी स्पीड हो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है आपके पास, अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस सेम है बस टाइमिंग अलग अलग है, तो यानी कि उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी स्पीड होगी ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की, टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी उस कार की, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है यानी कि उसकी स्पीड कम। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। जो सेकंड कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, हमारा टाइम अगर कांस्टेंट, टाइम अगर हमारा कांस्टेंट है तो क्या होता है, स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके डिस्टेंस। बिल्कुल, तो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी अगर स्पीड ज्यादा है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। एक घंटे में एक कार 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक कार 70 किलोमीटर की स्पीड, ऑब्वियसली जो 90 किलोमीटर की स्पीड से कार जा रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने ही टाइम, सेम टाइम। अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड इंक्रीज तो डिस्टेंस इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज देन डिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, इस तरह से होता है, और यहाँ पे उल्टा होता है, अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम कम लगेगा। तो ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट में इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आप फिर से देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, और इसमें समझिए स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या क्या। हम क्लियरली देख पा रहे हैं क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस सेम है, दो कार्स है वो अलग अलग स्पीड से जा रही है अलग अलग टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पीड और टाइम का रेशियो देखना। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, स्पीड हमारी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखो जो एस वन है हमारा, एस वन कितना है 72। हमारी स्पीड है वो चेंज हो रही है और जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट था उस टाइम पे हमारी जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो देखें,
स्पीड एस वन एंड एस। तो हमारी एस वन और एस टू क्या दे रखी है? तो एस वन जो कार कार ए इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग से लिख देते हैं कार ए एंड बी का। देखिए जो कार ए है हमारी और कार बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड का रेशियो 72 है कार ए की स्पीड एंड 90 किलोमीटर। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमारा रेशियो बनेगा 4:5, 18:5, 90। तो अगर स्पीड का रेशियो हमारा आ रहा है 4:5, तो हमने क्या पढ़ा था, जो टाइम है वो स्पीड का उल्टा होता है, यानी कि स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है ना, टाइम का रेशियो आएगा 5:4। क्लियर है सभी को? अगर हमें स्पीड दे रखी है तो हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो आ गया 5:4। तो हमें ये बताना है इफ कार बी टेक्स 1 आवर लेसर देन कार ए, अगर बी ने 1 घंटा कम लिया है कार ए के कंपैरिजन में, देन व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो हमें डिस्टेंस बताना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो गैप है हमारा ए और बी के टाइम में वो कितना है, 1 आवर, यानी बी ने 1 घंटा कम, ठीक है। तो यानी कि ये जो 5 आवर्स हैं ए ने लिए हैं और 4 घंटे किसने लिए हैं, बी ने लिए। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो हम चाहे ए की स्पीड और टाइम लेके निकाल सकते हैं या फिर बी की स्पीड एस वन एंड ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो स्पीड वन क्या है, 72 इंटू में टाइम कितना है इसका, 5, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 360 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? सबसे पहले हमने क्या किया, स्पीड का रेशियो लिया, स्पीड का रेशियो जो है उसके उल्टा होता है टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो 4:5 मिला हमें, तो हमने टाइम का रेशियो ऑटोमेटिक कर दिया 5:4, ठीक है। अब इनके बीच का गैप देखो कितने का है, 1 यूनिट का गैप है, तो 1 यूनिट जो है हमारी, जो हमारी 1 यूनिट है वो 1 आवर के इक्वल कैसे आई, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 आवर बी ने कम लिया है ए की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 1 यूनिट का गैप आ रहा है, यानी दोनों गैप इक्वल होने चाहिए, 1 यूनिट 1 आवर के इक्वल है, तो बी ने 4 आवर टाइम लिया है और ए ने 5 आवर टाइम लिया, ठीक है। तो आप यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप स्पीड इजीली बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए टेक्स 10 मिनट मोर देन बी एंड इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:4। ए ने बी से 10 मिनट ज्यादा टाइम लिया है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी डिस्टेंस फिक्स हो गया, सर्टेन डिस्टेंस कह रहे हैं, क्योंकि ए जा रहा है और बी दोनों जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:4, इसने तो और भी आसान काम बना दिया, हमारा स्पीड का रेशियो पहले से ही दे रखा है, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस,
सेम डिस्टेंस बी को कवर करनी है तो हमें बताना है बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो इसने तो बिल्कुल आसान बना दिया हमारा काम। स्पीड्स का रेशियो जो है वो ऑलरेडी दे रखते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा यहाँ पे बी, इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। रेशियो 4 दे रखा है, तो टाइम का रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3, क्योंकि स्पीड का इनवर्स होता है। ठीक है, 4:3 आ गया और इनमें गैप कितने का हो गया, 1 यूनिट का, 1 का गैप है ना। और ये क्या कह रहा है कि 10 मिनट्स का गैप है, क्योंकि ए जो है वो 10 मिनट ज्यादा लेता है बी की कंपैरिजन। तो अगर 1 यूनिट का गैप जो हमारा आ रहा है, 1 यूनिट का गैप इक्वल है भाई 10 मिनट। तो हम क्या करेंगे इसको, जो हमारा टाइम है किसका पूछा है, बी का टाइम पूछा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो बी का जो टाइम है वो कितना है, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 10 के इक्वल है तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 30 के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 1 यूनिट का गैप था। ठीक है, तो वो कह रहा है 10 मिनट का गैप है, तो 1 यूनिट हमारी ऑटोमेटिकली 10 मिनट के इक्वल हो गई। और 3 यूनिट का अगर हम निकालेंगे, क्योंकि बी का टाइम पूछा है, 3 यूनिट है बी का टाइम, तो 30 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, जो ए है वो ट्वाइस है जितना फास्ट बी है उससे ट्वाइस है ए, एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, सी की स्पीड जितनी है उससे थ्राइस स्पीड है बी की। ठीक है, द जर्नी कवर्ड बाई सी इन 1.5 आवर्स विल बी कवर्ड बाई ए इन। ठीक है, सी ने जो जर्नी अगर 1.5 घंटे में कवर की है तो ए उस जर्नी को कितने टाइम में कवर करेगा, यानी डिस्टेंस सेम है स्पीड का डिफरेंस है तो हमें टाइम बताना है। तो अगर स्पीड का डिफरेंस होता है तो हम स्पीड का रेशियो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखते हैं, हम ए एंड सी, ठीक है तीनों देखिए। अब जो सी है वो हमने माना 1, सी की स्पीड मान लो 1, बी की क्या है उससे थ्राइस है, कि बी की स्पीड कितनी होगी, बी होगी। ठीक है ना, ए इनकी स्पीड का रेशियो ये थ्राइस है, और जो ए की स्पीड है वो बी के 2 आई, यानी बी से डबल, तो बी की स्पीड है तो ए की अब इनके टाइम का रेशियो आप इधर निकाल सकते हैं। टाइम का कैसे निकालेंगे, अगर तीन जो आइटम है वो दे रखे हैं, तीन टाइप के व्हीकल्स दे रखे हैं, ठीक है 3 कैटेगरीज दे रखी है रेशियो में, तो आपका जो रेशियो है वो कैसे निकालोगे, दूसरी चीज का उल्टा करना है आपको। देखो ए का निकाले तो ए को कवर कर, ए को हमने कवर किया, बाकी जो दोनों बच गए उनकी मल्टीप्लाई, यानी 3 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब बी का निकाले तो बी को कवर कर दो, 6 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 6। ठीक है, अब हमें सी का निकालना है, सी का निकालने के लिए सी वाली को कवर करेंगे 1 को, तो 6 और 3 बचेंगे, 18 हो जाएगा। टाइम का रेशियो की आ रहा, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 हो गया,
टाइम का रेशियो आपके पास आ चुका है। अब वो कह रहा है कि 1.5 आवर्स लिए हैं सी ने, लेकिन सी ने तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 यूनिट ली है, यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.5। तो हमें बताना है जो ए है वो कितनी देर में कवर करेगा। तो 3 की वैल्यू 1.5 है तो आवर्स है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आवर्स में आएगा। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको 60 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आंसर में जो ऑप्शन है उसमें मिनट है यूनिट में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दो 20 पे, क्लियर है। तो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास, 30। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 30, सॉरी मैंने यहाँ पे ना मिस्टेक कर दी है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया 1:2:6, ठीक है। अब जो सी का जो टाइम है वो 1.5 आवर्स दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आया 6 यूनिट, ठीक है। सी का जो टाइम है वो 6 यूनिट है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 6 यूनिट है हमारी, 6 यूनिट उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 आवर्स। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 × 6 तो कैंसिल करेंगे आगे करके। अब हमें तो ए का टाइम बताना है, तो 1 यूनिट का, ए का जो टाइम है वो 1 यूनिट, 1 यूनिट का आप कैसे बताते हैं, अगर 6 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 के निकालने के लिए इसको 6 से हम डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बात कैंसिल हो, उसको देख के पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स, और ऑप्शन सी इसके साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, आई होप आपको समझ आया होगा, शॉर्टकट ट्रिक है ये बिल्कुल। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कितनी स्पीड से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। इसमें हमने टोटल दो स्टेप किए, स्पीड का रेशियो एंड टाइम का रेशियो लिया है बस, और जो गिवन है उसको टाइम को रेशियो कंप्लीट करके फिर हमने जिसका पूछा है उसका टाइम हमने निकाला। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बस कवर ए 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 15 मिनट, ठीक है। एक बस है हमारे पास, इस डिस्टेंस को कवर करती है 1 आवर एंड 15 मिनट, फिर द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए कार इन 45 मिनट। जो कार है वो ज्यादा जल्दी ज्यादा स्पीड में जाती है और इसी डिस्टेंस को 50 किलोमीटर डिस्टेंस को 45 मिनट कवर कर देती है। तो हमें ये बताना है कि बस की स्पीड और कार की जो स्पीड है उसका तो रेशियो क्या होगा। तो अब की बार आप ध्यान से देखो, हमें टाइम दिया हुआ, तो जब टाइम है तो हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे और स्पीड का रेशियो उसका उल्टा ले लेंगे, तो क्लियरली हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड का रेशियो ही बताना है, स्पीड भी नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो बस है जो बस है, बस का टाइम देखो कितना है, 1 आवर 15 मिनट, एंड कार का है 45, कार का हमें देखते हैं 45। 1 आवर 15 मिनट को अगर हम मिनट में करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट एंड 15 मिनट और है, यानी कि 75 मिनट हो गई बस का टाइम। इनका आपको रेशियो निकालना है, इनका रेशियो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 15 की टेबल, ठीक है। अब
आप स्पीड का रेशियो मुझे बताइए कितना होगा। बिल्कुल 3:5, 3:5 हो जाएगा हमारा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो बताना चाहिए हमारे जो ऑप्शन है जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आप क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आसानी से दो स्टेप में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ठीक है, स्पीड्स का रेशियो दे रखा है 3:5। If A takes 24 minutes more than B to cover a certain distance, अभी भी distance fix है। जब तक distance fix रहेगा हमें speed और time वाला ही relation use करना है हर एक question में। यानी कि speed जो है inversely proportional होती है time के। ये ratio हमें उससे use करना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? How much time will B take to cover the same distance? B को कितना time लगेगा same distance cover करने के लिए? ठीक है, बिल्कुल करेंगे हम। ये हमारा हो गया ए एंड दिस बी। स्पीड का रेशियो दे रखा है, आप देखिए स्पीड का रेशियो कितना है 3:5। 3:5 है तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। क्लियर है? अब इन दोनों में आप गैप देखो कितने का गैप है, 2 यूनिट्स का गैप है। दोनों का जो रेशियो है 2 यूनिट का गैप। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि ए टेक्स 24 मिनट्स मोर देन बी, यानी कि जो ए और बी में गैप है वो 24 मिनट्स का है। तो गैप तो हमने अभी अभी देखा कितने का है, 2 यूनिट का है। तो जो 2 यूनिट्स है वो कितने इक्वल हो गए यहाँ पे 24 मिनट के। वो जो गैप बता रहा है वो 24 मिनट का बता रहा है। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का बता सकते हो। अगर 1 यूनिट में 2 यूनिट में 24 है तो 1 यूनिट में 12 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 12 मिनट आ गया। और हमें किसका बताना है, बी का टाइम बताना है, बी कितना टाइम देगा। तो बी की कितने यूनिट है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का बताना है, 3 यूनिट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 से 36 मिनट में जो बी है वो वहां पहुंच जाए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व, आई होप आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो लगा लेना, आंसर बी लगा। ठीक है, ऑप्शन बी 36 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। एक कार है हमारे पास वो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को 24 मिनट में कवर कर। स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस दैट ऑफ कार। बस की जो स्पीड है कार की स्पीड से डबल है। इन हाउ मेनी मिनट्स कैन द बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर। ठीक है, हमें बताना है कितने मिनट में जो बस है वो कवर कर लेगी 135 किलोमीटर डिस्टेंस। सबसे पहले हमें बस स्पीड पता होनी चाहिए या उसका टाइम पता। तो आप यहाँ पे देखो कि जो हमारी स्पीड का जो रेशियो है वो यहाँ से ऐसे एक हो गई बस। ठीक है, एक हो गई कार। तो बस और स्पीड की कार का रेशियो दे रखा है 1:2। देखो जो बस की स्पीड है वो 2 है, यानी कि बस की जो है वो 2 है और कार की जो है वो 1। बस की स्पीड डबल है ना, बस की स्पीड है। तो इनके अगर हम टाइम का रेशियो देखें ना, एक टाइम का रेशियो 1:2 आ गया, टाइम का रेशियो आ गया हमारे पास। लेकिन ये कह रहा है कि 18 किलोमीटर को 24 मिनट्स में कवर किया है किसने, कार ने। यानी कार की जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट जो है हमारा वो 24 मिनट के इक्वल है। 2 यूनिट इज इक्वल टू
24 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 12 मिनट, 1 यूनिट हो जाएगी 12 मिनट्स के, 1 यूनिट को 12 लगेंगे। उसके बाद हमारे जो हाउ मेनी मिनट्स कैन द बस कवर ए डिस्टेंस, तो बस का टाइम हमें बताना है। तो बस की जो 1 यूनिट है तो 12 मिनट लगती है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 18 किलोमीटर। तो अब आप ये देखो 18 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। स्पीड 1 है, तो 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 12/18, क्लियर है। हमसे कितना पूछा है, 135 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, 135 किलोमीटर का पूछा है अगर हमसे, तो 12/18 तो कितने का पूछता है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 135 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90 मिनट्स, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है। तो हमें बताना था, हमें 18 किलोमीटर का नहीं बताना, 18 किलोमीटर का अगर देखें तब तो ये 12 मिनट में कवर कर रही है जो बस है, ठीक है, और कार तो 6 मिनट में कवर कर लेगी। चलो ठीक है, हमारा 90 मिनट्स आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कार ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है हमारी एवरेज स्पीड से जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है, एंड टेक्स 9 मिनट टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। एक डिस्टेंस पे जाने के लिए उन्होंने 9 मिनट लगाई कार ने, 9 मिनट ली, बाय हाउ मच शुड, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो क्या कहता है, एक कार ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 9 मिनट टू ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस, तो टाइम लिया है उसने 9 मिनट, ठीक है। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट, ये कह रहा है अगर टाइम को 8 मिनट लगाए तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसको स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के टाइम दे रखे हैं, एक 9 मिनट्स है और एक कितना है 8, टाइम का रेशियो फर्स्ट ये फर्स्ट वाला टाइम ये, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर हम यहाँ से स्पीड का रेशियो देखें, आप क्लियरली आप सकते हैं तो सोचना ही नहीं है, डिस्टेंस सेम है 8:9, ठीक है। इसने क्या बोला है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें स्पीड कितनी 72, यानी जो हमारी यहाँ पे 8 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर है, क्लियरली कह रहा है कि स्पीड तो दे रखी है हमने, तो जो आपने पूछा क्या गया है हमसे कि उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ा लेनी चाहिए ताकि वो 8 मिनट में जा सके। अब आप इनमें जो पुराने वाले स्पीड है और जो नई वाली स्पीड है इनमें गैप देखो कितने का है, 1 यूनिट का गैप है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारी 9 किलोमीटर, यानी कि उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ा देनी चाहिए 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और ज्यादा रफ्तार से वो चलेगा और उसको टाइम कम लगेगा,
यानी कि उसकी स्पीड अब कितनी हो गई है, पहले 72 थी, अब 9 बढ़ा ली गई, यानी 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार अब चल रही है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट था। ठीक है, इसमें हमें क्या बताएगा, आइए देखो। ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर एन एरोप्लेन रिड्यूस्ड इन स्पीड बाय 300 किलोमीटर, यानी उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है 300 किलोमीटर पर आवर बुरे मौसम की वजह से। ठीक है, एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर लेट बाय 2 आवर्स। उसको 1200 किलोमीटर ट्रेवल करना था किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो उसको लेट हो गए हैं 2 घंटे, फ्लाइट हमारी जो है वो लेट हो गई थी 2 घंटे। देन द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट को, ठीक है, उसको एक्चुअल में कितना टाइम उसको लगना चाहिए था हमें ये बताएं। तो सबसे पहले स्पीड निकालें, उसके लिए देखते हैं न्यू कंसेप्ट। देखो, जब भी आपको स्पीड इंक्रीज डिक्रीज दे रखी है, टाइम लेट हो गया या डिले हो गया, ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें आपको एक फॉर्मूला याद है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एस वन हमारी जो फर्स्ट स्पीड है, जो पहले एक्चुअल स्पीड होती है, और ये जो भी स्पीड दे रखी है, दो तरह की स्पीड आपको नहीं रखने लगी। ठीक है, तो एक एस वन हो जाएगी, एस टू हो जाएगी, हम दोनों प्रोडक्ट करेंगे और नीचे उनका डिफरेंस होगा और मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम वो डिले हो रही है, लेट हो रही है, जितना भी टाइम हमारे ड्यूरेशन पे एक्स्ट्रा बता रखा है वो, यानी कि टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने माना जो डिस्टेंस है वो भी इन्होंने ऑलरेडी देख लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना है। एस वन कितना है हमें नहीं पता, एक्चुअल स्पीड हमने माना उसकी स्पीड है एस। ठीक है, इनटू वो कह रहा है उसने अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर बढ़ा लिया, यानी पहले अगर एस थी तो जो न्यू स्पीड है वो एस प्लस 300 लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया के साथ। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का आ गया है, अब नीचे देखते हैं। S1 माइनस S2 दोनों स्पीड में गैप कितने का है 300 का, क्योंकि 300 से इंक्रीज की है तो उनका डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अब टाइम इंटरवल देखो, टाइम इंटरवल कितना बता रहा है ये, 2 आवर्स वो लेट हो गई है फ्लाइट, 2 घंटे लेट। इसको सोल्व करते हैं तो 1200 इनटू में 300 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा, इज इक्वल टू एस इनटू एस प्लस 300। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, तो उससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 600 पे, यानी हमें मिल रहा है 600 इनटू 300 इज इक्वल टू एस इनटू एस प्लस 300। यहाँ से आपको क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लंबा टाइम लगेगा वरना, तो इसमें हमें डायरेक्ट भी वैल्यू दिखाई दे रही है। क्या वैल्यू आपको दिख रही है, 600 इनटू में 300, देखो यहाँ पे मैं क्लियर दिख रही हूँ, 600 है इनटू 300 तो देखो अगर S की वैल्यू में 300 देखते तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, यानी कि क्लियरली S जो है हमारी जो स्पीड है
कितनी आ गई है? ठीक है, 300 किलोमीटर पर आवर जो हमारी एक्चुअल स्पीड हुई, ठीक है, स्पीड आ गई। लेकिन हमें क्या बताना था, शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी कि टाइम, जो एक्चुअल टाइम है हमारा वो कितना होना चाहिए। तो डिस्टेंस हमें पता है और इनिशियल स्पीड हमें पता है 300, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 कैंसिल, यानी कि जो टाइम है हमारा वो कितना आया है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने +300 ले लिया था, +-300 आया, क्योंकि जो प्लेन स्पीड है वो रिड्यूस हुई, वो बढ़ी नहीं है, वो खराब हो सकती है, वजह कम हो गई, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे +300 लिया था, बस आप -300 ले लीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी 600 × 300, यानी S × S − 3, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है S जो है 600, तो S की वैल्यू अगर 600 है, टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 1200/600, यानी टाइम की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, 2 आवर, बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है या दोबारा देखने की जरूरत है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने वो पिछले वाला फॉर्मूला सीख लिया है। एक फॉर्मूला सीखने से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 × S2 स्पीड वन डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द स्पीड, स्पीड वन माइनस स्पीड टू एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन डेल्टा। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट्स लेट। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर वो जाता है तो अपने आप पहुंचता है 6 मिनट पे। इफ ही वॉक्स एंड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, तो ऑफिस से उसके घर की दूरी निकाल। तो आप स्पीड वन एंड स्पीड टू आपको दी गई है, 5 किलोमीटर है, एक 6 किलोमीटर है, और जो टाइम का जो गैप है वो कैसे देखो। देखो यहाँ पे जो मैं आपको 3 पर्टिकुलर केस बताती हूँ, यहाँ पे अगर टाइम हमें निकाल, अगर दोनों अर्ली होते हैं यानी कि दोनों जल्दी पहुंचने वाले होते, तो आप उनको माइनस कर टाइम, ठीक है। दोनों लेट वाले होते हैं तो भी माइनस, यानी अगर दोनों सेम आ रही दोनों स्पीड से, कि अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट, दोनों लेट वाले, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर एक लेट है और एक अर्ली है, यानी दोनों अगर डिफरेंट है, तो हम टाइम को प्लस कर देंगे। तो अगर डेल्टा, देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वन क्या है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड टू इज 6 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 5 − 6 − 1 हो जाएगा, बाहर हमको मॉड्यूलस की वजह से लगा है स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव। अब डेल्टा टी बताओ यहाँ पे कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, जो टाइम हमारा गैप दे रखा है 6 मिनट लेट एंड 2 मिनट अर्ली वाला, क्योंकि दोनों डिफरेंट है लेट एंड अर्ली वाले केस में, तो हम इसको ऐड, ऊपर तो 30 बन गया, 5 × 30 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बनेगा, 5 − 6 − 1, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ गया, साथ में मॉड्यूलस 6 + 2 = 8 हो गया, ठीक है। तो ये
कितना आएगा? 2 14 आंसर आया। टू फोर्टी तब आता जब हम इसको आवर में कन्वर्ट, देखो यहाँ पे जो 8 मिनट है वो हमें आवर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने जो स्पीड है वो तो किलोमीटर पर आवर में ली है और जो टाइम है वो मिनट में ले लिया, तो आवर को मैंने कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। अब देखो 60 से इसको कैंसिल कर दो, अब आपका ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ जाता है 4 किलोमीटर इज आवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आई होप फॉर इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से स्क्रॉल करते हैं। इफ ए बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है इस स्पीड से, ही रीचेस स्कूल 10 मिनट्स अर्लियर देन शेड्यूल टाइम, जो रियल टाइम है उससे 10 मिनट जल्दी पहुंचता है स्कूल अगर इस स्पीड से जाता है। ठीक है, हाउएवर इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जाता है तो 10 मिनट्स लेट पहुंचेगा अगर वो स्लो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हम पीछे करके आए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड 1 रखो 4 है, स्पीड 2 हमें रखी 3 है, इन दोनों का डिफरेंस है 4/3 मोड एंड इनटू में डेल्टा टी कितना आएगा कौन बताएगा? डेल्टा टी हमारा आएगा 10 मिनट्स अर्लियर एंड 10 मिनट्स लेट, यानी कि अर्ली और लेट वाला केस है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, लेकिन फिर से वही वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है, मिनट में है तो हमें इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा साथ, ताकि हमारा ऑप्शन एक बार मैच हो जाए। करेक्ट ऑप्शन हमारा आने वाला है 4 × 3 = 12 एंड 4 − 3 नीचे 1 हो जाएगा, इनटू में 10 + 10 = 20 डिवाइडेड बाय 60, आप इसको कैंसिल करेंगे 3 पे चला जाएगा, 3 से इसको 12 करके 4, ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, उस बच्चे का घर और स्कूल 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। चलिए, जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा फटाफट एक स्टेप में ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जॉगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, एक जॉगर है उन्होंने एक कुछ स्पीड के साथ कुछ डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया, हैड ही मूव 3 किलोमीटर फास्टर, 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 20 मिनट्स लेस, वो कह रहा है अगर 3 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा तेज चलता हो स्पीड से तो उसको 20 मिनट कम लगते। इफ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन ही वुड हैव टेकन 10 मिनट्स मोर, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर लेता अपनी तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते, ऑब्वियस है अगर स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही जॉग, हमें बताना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना उसने जॉगिंग करी। तो देखो अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लगाना है लेकिन दो बार यूज होता है, हम इनिशियल स्पीड उसकी एक्स मान लेते हैं, तो अगर उसकी स्पीड पहले एक्स थी वो कह रहा है बाद में वो अपनी पहले वाले स्पीड से कितना फास्ट हो जाता है 3 किलोमीटर, पहले एक्स की तो स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x minus 1, ठीक है, इनटू में डेल्टा टी भी है तो 20 मिनट्स उसको कम लग रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में उसको 20 मिनट कम लग रहे हैं।
10 का ये हमारा 20 हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे केस से डिस्टेंस निकालें तो अब उसकी स्पीड पहले वाली स्पीड से कितनी 1 किलोमीटर अगर कम हो जाती है, यानी कि पहले की स्पीड अगर x है तो न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 1। ठीक है, ये चेन का जो गैप है वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा टी। इनके लिए जो टाइम है वो 10 है, कि 10 मिनट ज्यादा लगे वो जो स्केड्यूल टाइम है। तो देखो जो दोनों डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है जो घर, तो स्पीड अलग अलग ली है उसने जिसकी वजह से उसका टाइम अलग हो रहा है। तो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आपने जो दोनों डिस्टेंस निकाले हैं वो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए दोनों को। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, एक्स एक्स कैंसिल हो गया दोनों साइड। ठीक है, 10 से जो है 20 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा x माइनस 1, नीचे केवल 1 बचेगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय में 3 भी बचेगा। इन टू में है, सॉल्व करेंगे इसको तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, माइनस 3 हो गया, इक्वल हो गया 2x प्लस 6। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो 9 आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू इज इक्वल टू 9। हमें बताना क्या था, उसकी डिस्टेंस कितनी, जॉगिंग कितनी डिस्टेंस के करीब है, तो हमें ये केवल स्पीड की वैल्यू मिली है कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, दोनों ही सेम डिस्टेंस की वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ वैल्यू 9 9 9 20 20 3। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे कि हमारा 20 मिनट्स का टाइम हमने अगर आवर में कन्वर्ट किया तो नीचे 60 है। दोनों में ऐसे करेंगे तो दोनों साइड 60 कैंसिल हो जाता है, इसलिए नीचे नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं इसको कैंसिल करने के हमें कितना मिलेगा, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो ये जो 12 है ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 × 4 कितना आएगा, हमारा जो डिस्टेंस का कितना आ गया 12। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। इसमें जो फॉर्मूला हमने पिछले पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में वो दो बार यूज हो गए, एक बार फर्स्ट वाली जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे जो चेंज दिया है उस स्पीड में, बाद में हम सेकेंड वाली जो स्पीड में चेंज दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एंड देन वी विल इक्वेट बोथ द इक्वेशंस एंड कैलकुलेट आवर वैल्यू। ठीक है, और x की वैल्यू यानी ओरिजिनल स्पीड अगर हमारे पास आ जाती है फिर हम इजीली उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलो अब आपको मैंने इतने कंसेप्ट समझाए हैं आज, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका क्वेश्चन आप सोल्व करके और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताने वाले। ठीक है, ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा सभी क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो टाइम है, टाइम टेकिंग है क्वेश्चन सोल्व करने का वो कम होगा। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए, हम जो आगे हैं नेक्स्ट
वीडियो में हम इसका और ज्यादा डीप कंसेप्ट समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कितनी जल्दी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी इसके और टाइम्स बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।